हेलो जब हमारा फ्रेंड्स, मछली, देखिए कितनी सुंदर उड़ीसा स्टाइल मटन करी बनके तैयार हुई है। और ये रेसिपी किस तरीके से बनती है इसको जानने के लिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलएस रेसिपीज एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के पास उड़ीसा की ऑथेंटिक मटन करी की रेसिपी लेके आया हूँ। मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ रेसिपी को, आप उसी मेथड को फॉलो कीजिएगा, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनके तैयार हो। और दोस्तों, मैंने लोकेशन भी ये इसलिए सेलेक्ट करी है कि मेरा सोचना है कि अगर आपको मसाले की समझ है और आपको क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स पर्टिकुलर रेसिपी के लिए लगेगा, अगर आपको ये समझ है तो आपको मॉड्यूलर किचन वगैरह की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी खाना बनाए, आपका खाना बहुत ही टेस्टी बनेगा। कोई भी रेसिपी कहीं भी बनाए, आपका खाना बहुत ही। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, आग जला लेंगे और उसके ऊपर एक गंजी रखेंगे और उसमें हम मस्टर्ड ऑयल को मिला देंगे। मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम उसमें क्या करेंगे, शक्कर को ऐड कर देंगे। इससे बहुत सुंदर कलर आता है ग्रेवी का। और ये मस्टर्ड ऑयल के साथ हम शक्कर को मिक्स कर देंगे। में चार कटे हुए आलू लिए हैं, उसका हमने छिलका नहीं उतारा है। ये आलू को हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो गोल्डन ब्राउन आलू है हमारे जो फ्राई होके तैयार हुए हैं, इसको हम एक सेपरेट बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसको अब हम क्या करेंगे, एक सेपरेट बर्तन में निकाल के रख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, खड़े मसाले डालेंगे जो कि हम 2 से 3 तेज पत्ती, 1.5 इंच की करीबन 1 दालचीनी, 4-5 लौंग, 3-4 बड़ी इलायची और 3-4 करीबन छोटी इलायची हम इसमें तेल में मिक्स कर देंगे। 4 बड़े कटे हुए हमने स्लाइस में प्याज इसमें ऐड कर दिया और इसको हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। और ये जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। दो टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और इसको हम अच्छे से भूंजेंगे और हल्का सा पानी डालेंगे कि हमारे प्याज कहीं जल ना जाए। जब ये हमारे अच्छे से भून जाएगा, तब हम उसमें कटे हुए 2 बड़े टमाटर डाल देंगे। आप इसी तरीके से कट करना जिस तरीके से मैंने इसमें कट किया है। जब ये हमारा अच्छे से मसाला पक जाएगा, तब हम उसमें 1 टेबल स्पून तकरीबन हल्दी डालेंगे, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से भूंजेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे कि हमारे मसाले जल ना जाए और इसको भूंजते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसमें करीबन 1 टेबल स्पून को गरम मसाला डालेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, तकरीबन 1/2 किलो मैंने मटन लिया है, वो मटन इसमें मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छे से भूंजेंगे। आपको भूंजना बहुत अच्छे से, आपको भूंजने में कोई कमी नहीं छोड़नी है। हल्का सा इसमें हम क्या करेंगे, जब भूंजने के बाद नमक डाल देंगे। ये हम 1 टेबल स्पून करीबन काली मिर्च पीसी हुई डाले और ये हमारा मटन मसाला है, वो करीबन आपको 1 पैकेट या अगर आप थोड़ा सा कम मसाले स्पाइसी पसंद करते हैं तो 1/2 पैकेट उसमें मिक्स कर देंगे। पाउच में मिलता है ये पैकेट और इसको अच्छे से आप फ्राई होने दीजिए। फिर ये इसमें आप क्या करिए, करीबन 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दीजिए। और इसको बहुत अच्छे से भूंजिए
और बीच में क्या करिए, इसको ढक के रख दीजिए। अच्छा, ये पकने का टाइम नॉर्मली इसमें 30 से 35 मिनट लग जाता है, 40 मिनट भी लग सकता है, एक घंटा भी लग सकता है, ये डिपेंड्स होता है कि आप किस तरीके का मटन आपको मिला है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमको पकाना पड़ता है। बीच बीच में आप इसको क्या करिए, बहुत अच्छे से भूंजते जाइए। उसके बाद जब ये करीबन 70-80% पक जाए तो हमारे जो फ्राई किए हुए आलू हैं वो आप इसमें मिक्स कर दीजिए, और इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक के कम 5-7 मिनट पकाइए। थोड़ा बहुत पानी आप ऐड कर सकते हैं। बीच बीच में आप कड़छी चलाते रहिए और चेक करिए कि कहीं पे आपका मसाला जल तो नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत पानी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप लकड़ी में बना रहे हैं तो आपको फ्लेम कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, तो वो आप क्या करिएगा, छोटे साइज की लकड़ी यूज़ कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप लकड़ी में ही बनाएं इसको, इसको आप गैस के चूल्हे में या कोयले की आंक में भी पका सकते हैं। ये देखिए, हमारा मटन ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है, और इसको बनाने में करीबन हमारे को 45 से 50 मिनट लगे हैं। ये पूरा जंगल में मैंने मटन पकाया है। मेरे को ये लोकेशन इसलिए सिलेक्ट किया मैंने कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मॉडुलर किचन वगैरह की, अगर आपका मसाले की समझ है तो आपकी रेसिपी कहीं भी बनाओ आप बहुत अच्छी बनेगी। बीच बीच में आप इसको घुमाते जाइए और चेक करते जाइए मटन पका है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारा मटन बन के तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर कलर आया ग्रेवी का भी, और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। और इसी मेथड को आप फॉलो करिएगा, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट वीडियो। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं इंडिया में से बिलोंग करता हूं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो आपको मैक्सिमम इंडिया में जो ऑथेंटिक रेसिपीज बनती है वो मैं आप लोगों के पास प्रोवाइड कर सकूं। और आप लोग इस स्टेप को फॉलो करते हुए ये रेसिपी बनाइए, आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।